दोस्तों बात करते हैं इस हफ्ते होने वाली इस संडे देर रात होने वाली पेरिस कार्ड के बारे में यानी कि बात करते हैं सिरेलगेन वर्सिजाइटू वासा फाइट कार्ड के बारे में और इस कार्ड पे एक बहुत ही की फाइट हो रही है फॉर द मिलवेट डिवीजन और वो है रॉबर्ट विटिकर वर्सेज मॉरिन विटोरी नाउ किसी ने कहा नहीं है लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो ये फ़ाइटर जो फाइटर ये फाइट जीतेगा वो बहुत पास पहुंच जाएगा फिर से एक बार बेल्ट के लिए फ़ाइट करने का आई मीन ऑब्वियसली विटिकर फाइट कर चुके हैं बेल्ट के लिए वो फॉर्मर चैम्प हैं अपनी बेल्ट हार गए थे वापस आए एज ए चैलेंजर फिर से वो फाइट वो हार गए और विटोरी अपनी फ़ाइट हार चुके हैं जो अगेंस्ट अडसानिया uh, तो एक तरीके से साफ साफ नहीं है कि यहाँ पे अगर जीतते हैं विटिकर तो क्या ही इज़ नेक्स्ट या जीतते हैं ना विटोरी तो मे बी ही इज़ नेक्स्ट साफ़ नहीं है बट उस लाइन में रहने के लिए आई थिंक ये फाइट जीतना बहुत ज़रूरी है फॉर बोथ फाइटर्स आई मीन विटोरी की जो लास्ट फाइट थी अगेंस्ट uh, कास्टा और मेरे हिसाब से एक बहुत ही बेहतरीन फाइट थी आई मीन टफनेस अगर आप देखें अगर आई एम नॉट श्योर ये फाइट आपने देखी है नहीं बट अभी यूसी ने ये फाइट अपने अपलोड की है अपने चैनल पर फ्री अब ये फाइट देखिए टफनेस ऑन विटोरी एंड टफनेस ऑन कास्टा आई मीन नेक्स्ट लेवल कुछ बहुत ही स्ट्रेट पंचर्स कुछ बहुत ही स्ट्रेट किक्स खाई माविन विटोरी ने और बिल्कुल मतलब कुछ हुआ ही नहीं आई मीन आई नो कुछ लोग बहुत टफ होते हैं लाइक यू नो टोनी फर्गसन एंड ऑल बट जो आवाज़ आई थी उन किक्स की उन, उन पंचेस की उस कुछ हुआ ही नहीं उनको सो so, टफनेस बहुत ही नेक्स्ट लेवल लेवल पर है मार्विन विक्टोरिया की ऑब्वियसली भी वो यंग है तो वो कुछ भी खा सकते हैं बट दे इज़ नो डाउट कि जो ये लास्ट फाइट थी एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मेरे अकॉर्डिंग एक अगेंस्ट ए टफ गए लाइक कॉस्टा और जो लास्ट फाइट थी फॉर वटेकर वो थी ऑब्वियसली अगेंस्ट द चैम्प एक क्लोज फाइट uh, और हर फाइट जो कि होती है आजकल विद अडसानिया यू नेवर नो कि यू नो एज़ ए कैजुअल फैन बहुत मुश्किल है कहना कि यार ये फ़ाइट बिल्कुल डोमिनेट किया अडसानिया ने दो राउंड जीते विटेकर तीन राउंड जीते अडसानिया टिपिकल फैशन में वो फ़ाइट वो हार गए बट फिर भी फॉर्मर चैम्प हैं और इस टाइम नंबर वन रैंक हैं तो ज़्यादा दूर नहीं है फिर से फाइट करने के लिए बेल्ट के लिए और जो अभी डिवीज़न है फाइट करने वाले हैं डिसानिया अगेंस्ट एलेक्स एलेक्सप्रीरा मे भी कुछ चेंज हो जाए तो फिर से शायद चांस मिलेगा बाकी सब फाइटर्स को जो कि फ़ाइट कर चुके हैं अगेंस्ट अडेसानिया बट इधर वे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फाइट फॉर द मिलवे डिवीजन विटिकर वर्सेज़ विटोरी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं पढ़ रहा था कैसे कि uh, बहुत मुश्किल होगा फॉर विटिकर टू फिनिश विटोरी बिकॉज़ विटोरी बहुत टफ है आई I मीन mean, उनकी आप फाइट देखिए कि इस कॉस्टा ज़्यादा दूर क्यों जाए आप और आई I मीन mean, कुछ कुछ है उनमें ऐसा ऐसा लग कि लगता है कि ही इज हंग और विटकर बींग ए फॉर्मर चैम्प आई uh, एम नॉट श्योर sure कि क्या वो इतने हंगरी होंगे फॉर दिस विन आई के नॉट नॉट क्वेश्चनिंग हिज एटीट्यूड बट फिर भी मेरे हिसाब से ज़्यादा चांसेस हैं कि विक्टोरी फिनिश करें विट, विटिकर को बजाय विटिकर फिनिश करें विटोरी को हाँ अगर फाइट लंबी जाती है वो एक अलग बात है Uh, तब यू नो विल सी आई थिंक विटिकर विल हैव मोर एडवांटेज बिकॉज ही जो उनके पास स्किल सेट है जो उनके पास वेपन्स हैं जहाँ जहाँ से वो मारते हैं वो बहुत बहुत बड़ी लिस्ट उनके पास है कंपेयर टू विकटोरी सो ये फाइट लंबी जाती है मेरे अकॉर्डिंग तो आई थिंक शायद रॉबर्ट विल हैव एडवांटेज बच जाएगा फाइट जल्दी खत्म होती है तो बिकॉज विटोरी को बहुत मुश्किल है ख़त्म करना दोस्तों एनी वे वेरी वेरी की फाइट एक लास्ट पॉइंट इसी फाइट के ऊपर हालांकि ये फाइट हो रही है इन पेरिस राइट right? और जो विटोरी हैं उनका होम कंट्री है वो है इटली राइट right? तो फिर भी एक आई वुड एक्सपेक्ट कि शायद थोड़ा जो क्राउड होगा वो थोड़ा सा विटोरी फ्रेंडली होगा ये पार्टी इतनी पास हो रही है उनके घर से कंपेयर टू विटिकर बिकॉज यू नो विटिकर बिलोंग्स टू कहाँ पे बहुत दूर सो so, या yeah, वो एक पॉइंट है जो कि शायद मेरे हिसाब से कुछ रोल प्ले कर सकता है कि बहुत घर के पास है विटोरी और वहाँ के जो फैंस हैं वो सब सपोर्ट करेंगे बट इंटरेस्टिंग पहली बार यू सी जा रही है पेरिस में फर्स्ट uh, टाइम तो एक है एक एक्साइटमेंट यानी ये फाइट क्या होगा रात में करीबन दो बजे के आसपास संडे रात दो बजे यानी कि yeah, या तो बहुत मुश्किल है ये फाइट देखना बट आई मीन आई वुड डेफिनेटली वॉच दिस फाइट दोस्तों एनी anyway, वे ये था हमारा वीडियो फॉर वटिकल वर्सिस विक्टोरी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम टेक केयर बाय बाय